Good morning, guys. We have a morning class today. I'm going to the fitness studio. मेरे सॉक्स पे योगा पोजेस बने क्या चाहिए ना चल क्लास ओवर अब हम घर जा रहे हैं मुझे लग रही है हर कुछ ही भूख तुम्हारी बहन लाई है फ्रूट्स सबसे पहले हमारे पास तरबूज तरबूज 60 रुपीज के जी 60 रुपए किलो फिर है बनाना 140 रुपए दर्जन 70 रुपीज आधा दर्जन देन हमारे पास है आम ये है 180 रुपए किलो एक किलो देन हमारे पास है पपीता 90 रुपए किलो फिर मैं एक ट्रे अंडे लाई हूँ 200 रुपए का मम्मी ने हर्बल टी बनाया है वो पीने का समय आ गया है मम्मी ने फ्रेश फ्रेश पूरी बनाए पूरी लोकल बिस्किट्स की तरह है सो मैं सोना नहीं चाहती थी बट मैं 5 मिनट में बस बेड पे बैठी थी और अब मुझे नींद आ रही है सो मैं 15-20 मिनट नैप करूँगी कोशिश करूँगी ओके ओके सी यू गाइस In a bit. I know. 20 मिनट की बात हुई थी अभी हम 2-3 घंटे बाद उठ रहे हैं ठीक है बट इट्स ओके कल से नहीं होगा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि I enjoyed my nap. So yeah. And I feel good now. मुझे लग रही है गलती भूख मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने और साथ में मम्मी की डांट भी खाने मैंने गलती से फ्रिज को 5 नंबर पे जो कि है सॉरी 6 पे जो कि हाईएस्ट है उस पे रख दिया था सब कुछ बर्फ में जम गया है अभी हम फ्रूट्स खाएंगे वाटरमेलन एंड मैंगो एंड कोल्ड कॉफी इसको लड़ाकी समझ आती है अरे गांव को दुख तो देने के लिए सर पर मैं चेस आते हैं यू नो सबके रूम में एक चेयर होता है जिसपे हम वो कपड़े रखते हैं जो हमने अभी पहना और रख दिया हमें पता नहीं है कि वो धोना है कि नहीं अभी एक दो बार और पहन सकते हैं या नहीं सबके रूम में एक चेयर होता है ज्यादा सादा मेरे कमरे में एक सोफा है लेट मी शो यू आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट बट अभी मेरा मेन मकसद है यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं इनको सॉर्ट करूँ जो धोने वाले हैं वो मैं अपने लॉन्ड्री बैग में डालूँ लॉन्ड्री बैग भी भर गया है फिर
इनमें से कुछ धुले भी हैं, ऐसा नहीं है, वो तय लगा दूं, और जो अभी एक दो बार पहन सकते हैं, एक दो बार पहन सकते हैं, उनको भी तय लगाऊं, ये अभी मेरा लक्ष्य है। और साथ में मुझे काफ़ी कपड़े धोने हैं साथ में, वो भी। तो आओ सहेलियों, करते हैं यही काम। दिस इज़ माई लॉन्ड्री बैग जो भर गया है अभी काफ़ी, तो इसके अंदर और भी कपड़े जाएंगे, फिर उनको धोएंगे हम। सारे तो नहीं धुल पाएंगे, बट जितना होता है उतना तो धोना ही पड़ेगा। अब सोफा साफ हो गया, मेरा बेड ऐसे दिख रहा है, तो अब बेड साफ करने का टाइम आ गया है। डन। अभी ये और ये काफी साफ है। अभी मुझे मेन जो मेरे ड्रॉर्स है और जो कबर्ड है जहाँ कपड़े रखे हैं, जहाँ थोड़ा लीपा पोती का सामान है, वो साफ करना है। वो तो आज तो नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि अभी मुझे जाना है कपड़े धोने, और साथ में थोड़ा झाड़ू पोछा भी करना है। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आज मैं बहुत टाइम बाद जल्दी उठी, और ज़्यादातर मैं ट्रेनिंग शाम को करती हूँ, बट आज 7 बजे क्लास थी। सोचा था 7 बजे के बाद आते ही सब करूँगी, बट मैं सो गई। बट कल से हम कोशिश करेंगे कि सोए ना, मतलब थोड़ा नैप लें, 20-25 मिनट मैक्स, आधा घंटा उतने का। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अभी मेरे को झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने, फिर उसके बाद लंच खाऊंगी। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो अगर आपको कबर्ड वगैरह साफ करने का वीडियो देखना है, नहीं देखना है तो इट्स ओके। और प्लीज़ मुझे बताना कि तुम लोग अपना कमरा कैसे साफ रखते हो, मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है। सो लेट मी नो। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।